सो गाइस, हम बात करने वाले हैं 200 सीसी सेगमेंट की एक ऐसी बाइक के बारे में जो कि फर्स्ट इन द सेगमेंट है। इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स हैं कि मैं आपसे क्या बताऊँ। इसमें राइडिंग मोड भी है। सो आप गेस करो कि मैं किस बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ। चलो गाइस, मैं ही बताता हूँ। इस बाइक का नाम है अपाची RTR 204V। इसका जो BS6 वेरियंट है, जो न्यू अभी लॉन्च हुआ था, उसमें आपको इतने ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं कि मैं रुक नहीं पाया इस वीडियो को बनाने के लिए। इसमें आपको राइडिंग मोड्स मिलता है, एडजस्टेबल क्लच मिलता है, एडजस्टेबल ब्रेक्स मिलेंगे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो बात करते हैं इस बाइक के सबसे पहले इंजन के बारे में। इस बाइक में आपको 200cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन मिलता है, जिसमें आपको समवेयर अराउंड 20.8 PS का मैक्सिमम पावर मिलता है और 17.2 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। साथ में अगर बात करें इस बाइक के कर्व वेट के बारे में, तो 152 किलोग्राम का ये कर्व वेट है इस बाइक में और 10:1 का कंप्रेशन रेशियो है। सो आप समझ सकते हो कि ये बाइक परफॉर्मेंस को लेके काफ़ी ओरिएंटेड है। और लाइट इंजन इसका 200cc का इंजन है, काफ़ी कॉम्पैक्ट बाइक है। नेकेड स्ट्रीट फाइटर में ये बाइक आती है, तो आपको सिटी राइडिंग के लिए बेस्ट बाइक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बात करें इस बाइक के अदर्स पैरामीटर, अदर फीचर्स के बारे में, तो इस बाइक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया मिलता है। 180mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। 800 इसका सीट हाइट है, तो आपकी हाइट अगर 5'5" भी, अगर आप शॉर्ट हाइट भी हो या 5'4" हो, 5'3" हो, आप इजीली राइड कर पाओगे। काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ में इसका जो सस्पेंशन हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। शोवा के आपको सस्पेंशन मिलते हैं फ्रंट में, कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फक मिलते हैं, लेकिन वो शोवा के हैं, तो एक क्वालिटी राइडिंग आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। जो आपकी राइड क्वालिटी होगी काफ़ी बेहतर होने वाली है। अब बात करते हैं इस बाइक के गियर ट्रांसमिशन के बारे में। इस बाइक में आपको 5 गियर स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है और साथ में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, डुअल चैनल ABS मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, स्लीपर क्लच मिलता है, आपको कॉल अलर्ट्स मिलेगा, मैसेज अलर्ट मिलेगा, गियर पोजिशन इंडिकेटर मिलता है, ब्रेक एडजस्टेबल मिलेगा, क्लच एडजस्टेबल मिलेगा। और इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,55,000 रुपीज़। अब बात करते हैं इस बाइक के कुछ इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में। इस बाइक में आपको LED टेल लाइट मिलता है, LED हेडलाइट मिलता है, लेकिन जो इंडिकेटर है वो बल्ब इंडिकेटर मिलता है। TVS का ऐसा मानना है कि जो विजिबिलिटी है इंडिकेटर की, वो ज़्यादा होती है अगर आप बल्ब इंडिकेटर यूज़ करें। सो इस बाइक में आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन जो इंडिकेटर है वो बल्ब इंडिकेटर ही मिलेगा। साथ में अगर बात करें इस बाइक के हैंडल के बारे में, तो आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी जो पोजिशनिंग है वो लिटिल हाई की गई है, सो दैट आपको बैकिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आए, जो कि R15 में आती है। सो ये जो बाइक है, ये है स्ट्रीट फाइटर, तो इसकी जो पोजिशनिंग है वो एग्रेशन वाली राइडिंग पोस्चर नहीं है, आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर मिलेगा। साथ में इस बाइक में जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 12 लीटर की है, तो ऑन एवरेज आपको बढ़िया फ्यूल कैपेसिटी मिल रहा है। राइडिंग मोड्स के बारे में बात करें, तो आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं इस बाइक में। फर्स्ट है अर्बन, सेकंड है रेन और थर्ड है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मोड में ये बाइक अपने टॉप पावर आउटपुट एंड टॉर्क को अटेन कर लेती है, अचीव कर लेती है। सो ये बेस्ट राइडिंग मोड है अगर आपको राइड करना है और एट अ वेरी फास्ट स्पीड या अच्छे पावर आउटपुट के साथ। अगर बात करें इस बाइक के जो खास दो चीज़ें बताई मैंने, एडजस्टेबल ब्रेक एंड क्लच, इसका यूज़ ये है कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक राइड करा रहे हो या अपने छोटे भाई को या किसी को भी जिसका हाथ छोटा है, लेट्स से ये नॉर्मल हाथ है और इससे थोड़ा छोटा हाथ है किसी का, तो क्लच के आगे दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे क्या होता है, आपकी जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो हिंडर होती है। तो ये चीज़ TVS ने समझा है कि इंडियन जो मार्केट है या इंडिया के जो लोग हैं, उनके हाथ काफ़ी बड़े नहीं होते, तो उसमें क्या है, एडजस्टेबल आपको क्लच मिल गया, एडजस्टेबल ब्रेक मिल गया, आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। 3 स्टेप एडजस्टेबल आपको क्लच मिलता है एंड ब्रेक मिलता है, आपकी राइडिंग क्वालिटी यहाँ से यहाँ चली जाएगी। अगर बात करें इस बाइक के टायर्स के बारे में, तो फ्रंट में आपको 17 इंचेस का टायर मिलता है 90/90 सेक्शन का, एंड रियर में आपको 130/70 सेक्शन का टायर मिलेगा। एंड अगर बात करें ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो फ्रंट में आपको 270mm का डिस्क मिलता है एंड रियर में आपको 240mm का डिस्क मिलेगा विद डुअल चैनल ABS। इस बाइक का जो ABS है वो ऑन ऑफ स्विच वाला नहीं है, ये ऑल द टाइम आपको ABS ऑन ही रहेगा। सो गाइज, अब मुझे तो ऐसा लगा कि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, राइडिंग मोड्स, एडजस्टेबल क्लच, एडजस्टेबल ब्रेक्स, आपको स्लीपर क्लच मिल रहा है, कॉल अलर्ट मिल रहा है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको गाइज। सो ये बाइक अपने सेट में काफ़ी बढ़िया है। इस बाइक का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1,55,000 है, वो भी ऑन रोड।
मुझे नहीं लगता इस रेंज में आपको कोई भी बाइक मिलेगी या 200 सीमेंट में और कोई बाइक है जिसमें राइडिंग मोड मिलते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बाइक। सो अगर आपको राइडिंग मोड इन्जॉय करना है तो आपके लिए बाइक काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो सकती है। वैसे भी ये बाइक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, TVS अच्छा ब्रांड है, तो आप ऑप्ट कर सकते हो इस बाइक को। गाइज ये थी वीडियो फीचर लोडेड 200 cc बाइक की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।